मंचनाबाद स्टूडेंट सोसाइटी के सालाना इजलास और नौ मुंतखब सदर की हलफबरदारी की तकरीब एक साथ एक निजी स्कूल में मुनक्कद हुई। तकरीब के शुरका ने तलबा को रोजगार बनाने पर बात की और उनकी किरदार साजी पर काम करने पर जोर दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अहमद यार खोखर से। जी अहमद यार खोखर, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मंचनाबाद स्टूडेंट सोसाइटी के सालाना इजलास और हलफबरदारी के शानदार तकरीब मकामी प्राइवेट स्कूल में मुनक्किद हुई, जिसमें तंजीम के बानी जहीर अब्बास ने मंचनाबाद स्टूडेंट सोसाइटी के नौ मुंतखब सदर खान अली हुसैन से हलफ लिया। तंजीम के तय करदा बुनियादी असूलों की खिलाफ वर्जी से बाज रहूंगा, अल्लाह पाक मुझे इस जिम्मेदारी को संभालने की तौफीक अता फरमाए। TNN न्यूज से बात करते हुए नौ मुंतखब सदर खान अली हुसैन और जनरल सेक्रेटरी ने बताया कि अस्सलाम वालेकुम जी, अली हुसैन मंचनाबाद स्टूडेंट सोसाइटी की तरफ से आज सालाना मीटअप करवाया गया था, जिसमें मजलिस शोरा की जानिब से मुझे सोसाइटी का सदर मुंतखब किया गया। तो मैं अल्लाह ताला से अपील करता हूं और तमाम लोगों से अपील करता हूं कि इस चीज़ में, इस ज़िम्मेदारी में मेरी नुसरत फरमाएं। और बाकी मैं जिनको जो मेरी बात सुन रहे हैं, स्टूडेंट तबका है या कोई भी है, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि आएं इस प्लेटफॉर्म पे हमारी मदद करें, इंशाल्लाह हम इस तरह काम करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, ये स्टूडेंट सोसाइटी मंचनाबाद का आज बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम इन्होंने मुनक्कद किया, जिसमें इन्होंने बतौर सदर खान अली हुसैन को मुंतखब किया। ये सोसाइटी एक ऐसा निज़ाम बन चुकी है जो कि मंचनाबाद के स्टूडेंट्स के लिए मुआवनत का काम अंजाम दे रही है। अब स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ से मुख्तलिफ इलाकों में जाते हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला लेते हैं, उन्हें मुख्तलिफ किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये सोसाइटी उनकी मदद करती है। कैसे? अब जैसे कोई स्टूडेंट वहाँ जाता है, उसे दाखिले के लिए मुश्किल है, तो सोसाइटी के जो स्टूडेंट हैं वहाँ पर मौजूद होते हैं। कैमरामैन टीम के साथ अहमद यार खोखर, TNN न्यूज़, मंचन आबाद। DPO सियालकोट।